नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जहां सुशासन की सरकार महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है, उन्हें हर सुविधा मुहैया करा रही है, इस बार भी हमने देखा कि किस प्रकार से महिला सिपाही में कितनी महिलाओं को भर्ती किया गया ताकि महिला सशक्त हों और आगे बढ़ें। वहीं महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, और ये घटना महिला सिपाही के साथ हुई है। दरअसल खगड़िया में एक महिला सिपाही के साथ उसके घर वाले ने, यानी उनके ससुराल वाले ने हिंसा की और उसकी मौत कर दी। दरअसल आपको बताएं कि ये मामला खगड़िया का है। हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने इस खबर को भेजा है। उस खबर में ये बताया गया है कि एक महिला सिपाही थी और महिला सिपाही अपने घर गई थी दीपावली के अवसर पर, और वहाँ पर महिला सिपाही से उनके ससुराल वाले लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। जब महिला सिपाही अपनी सारी सैलरी अपने ससुराल में देती थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी पैसों की मांग रहती थी, और दीपावली के अवसर पर उनके उनसे बुलेट की मांग की गई, जिसके बाद महिला सिपाही ने इससे इनकार किया, और इसके इनकार करने के बाद उनके पति और उनके ससुराल वाले के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये दीपावली के दिन की खबर है, जब दीपावली के दिन उस महिला सिपाही पर हिंसा किया गया। ये सारी जानकारी मृतक के परिजन दिए हैं, यानी महिला सिपाही के परिवार वालों ने ये सारी जानकारी दी है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें उनकी बहन ने अपनी बातों इन सारी बातों का जिक्र भी किया। सबसे पहले आप इनकी पूरे बयान को सुनिए। ससुराल वाला खाली उससे कितना पैसा मांगता था हमेशा से। इस बार धनतेरस पे बोला हमको बुलेट दो, मम्मी इसको बोलो बुलेट दिलाने के लिए। मम्मी कहाँ से दिला दी थी, तो बहुत मारा मेरी दीदी को, हमेशा झगड़ा करता था, पूरा परिवार ने मिलके मार डाला। वो तो खुद सर्विस में थी, बीएमपी थी, महिला पुलिस थी, फिर भी दहेज के लिए वो लोग करता था ना। वो लोग सब पैसा का भूखा था, बोलता था अपना सैलरी हमको दो सारा। मेरी दीदी घर भी पैसा नहीं देती थी 3-4 महीना से, वो सारा पैसा अपने पास रखती थी, अपना सामान खरीदती थी, जेवर सारी जो भी है, लेकिन उनका कहना था नहीं तुम सारा पैसा मेरी माँ को दो, हमको दो। ससुर, उसके सास और उसके भाई, उस पूरे फैमिली ने मिलके उसका गला फोड़ दिया एकदम, लाठी रख के पूरा यहाँ, नहीं तो वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सुसाइड है। सुसाइड होता था पूरा गला में होता, लेकिन यहाँ से कितना सा ही है पूरा यहाँ पे निशान, और सिर्फ वो दहेज के लिए उसको बुलेट चाहिए उतना, उसको पूरा गिफ्ट शादी हुई सब कुछ लिया, उसके बावजूद उसको चाहिए और पैसा। ये शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 27 नवंबर 2019 को। अच्छा, वो महिला क्या थी? मेरी बहन बीएमपी थी, बीएमपी में सिपाही पद। अच्छा, किनके साथ शादी हुई थी? अंकित कुमार, वो भी आर्मी में है। कहाँ हुई थी शादी? अररिया में, पोस्ट उसका पोस्ट बलहा पड़ता है, थाना मड़िया, जिला खगड़िया। अच्छा, उस समय आप तिलक और दहेज कितना दिए थे? उनको अप्रोक्स हम 7 लाख तिलक दिए थे, उसके बाद उनको पूरा जितना भी होता है 7 लाख उसके अनुसार जितना सामान था, और फिर जेवर जो भी था, जितना सामान होता लड़की का, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा सेट सब। अभी कितना मांग किया गया था दहेज? अभी फिर से वो 2 लाख रुपया मांग रहे थे मेरे से बुलेट के लिए। पहले तो उन्होंने कहा स्कॉर्पियो दो, अभी धनतेरस बोला स्कॉर्पियो दो, मुझे बुलेट ला के दो। तो जैसा कि आपने सुना है, इस उनकी बहन ने सारी बातों का जिक्र किया है, और ये बेहद ही शर्मनाक है कि इतने आज भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई है। जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन आज भी महिलाओं पर उतने ही हिंसा की जाती है उनके ससुराल वालों के द्वारा। आपको बताएं कि जो महिला सिपाही है वो रोहतास में कार्यरत थी और दीपावली के अवसर पर अपने घर आई थी, और महिला सिपाही के जो पति थे वो भी सेना में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया और महिला सिपाही की मृत्यु हो गई।
साथ साथ आपको बताएं कि ये सारी बातें महिला के परिजन एसपी को दिए हैं। एसपी से जल्द ही इस पे कार्रवाई करने की मांग की गई है और वहीं डीएसपी के कार्यालय को भी पूरा उनके परिजनों ने घेरा है। हालांकि डीएसपी ने ये आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएंगी और वो हर संभव प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।